मैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी को जो 9वीं बार शपथ लेंगे उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उनके टीम में जो डिप्टी सीएम बनेंगे विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और उनकी जो भी टीम बनेंगी उनको सबको मेरा बधाई और शुभकामना पूरे भागलपुर शहर की तरफ से। जो सरकार नई सरकार आ रही है ये तो पूरे बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, उनको जनता का सहयोग मिले यही मेरी अपेक्षा है। भागलपुर शहर में हम एज ए डॉक्टर हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, और काफ़ी दिनों से इंतजार है लोगों को कि कब ये चालू होगा। तो मैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करती हूँ और आग्रह भी करती हूँ कि आप भागलपुर की तरफ ध्यान दें, और हमारा जो बनकर तैयार है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसको जल्द से जल्द चालू करें, ताकि भागलपुर के शहर और इसके इर्द गिर्द इधर से वेस्ट बंगाल और झारखंड सब जगह के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि वो नज़दीक से हमारे बिहार को केंद्र सरकार को बता पाएंगे कि हमारे बिहार की अभी क्या स्थिति है। तो हमें लगता है जो मांग थी हम पूरे बिहार की जनता की कि ये विशेष दर्जा है दिया जाए, तो ये इस बार जरूर पूरा होगा। आपने एक अच्छी बात कही कि विकास हावी हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ये विकास ही एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसने हम बिहारियों को गौरवान्वित किया है, और विगत कुछ दशकों में चाहे दौर कहीं भी रहे और नीतीश जी में के अंदर में जो वो ताकत है, जिस तरह से वो मुकाबला करते हैं और जनहित के लिए मुकाबला करते हैं, सब लोगों के साथ मिलकर चलते हैं और लेकर चलेंगे फिर, और मेरी मान्यता यही है कि हम लोग एक अच्छे, शायद हर बदलाव परिवर्तनशील होता ही है, संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही है अच्छे के लिए, और शायद अच्छे के लिए ही परिवर्तन हो रहा है, और जो भी विकास चल रही है उसकी धाराएं और तेज होंगी, विकास की गति बढ़ेगी, और हम लोग अगले आने वाले समय में देखेंगे कि बिहार ने उस पुराने गौरव को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसको हमेशा से जाना जाता था, और उस कला में हम लोग आगे जाएंगे, चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में हो, आप सड़कें हैं देखेंगे बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, पुल पुलिया बन रहे हैं, जो जितने चीज़ हो रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है, आपके पोखर गायब हो गए थे, आपके जंगल इधर उधर हो गए थे, सारे चीज़ों को वापस लाया जा रहा है, सामाजिक वानिकी का बढ़ावा हो रहा है, और जो उद्धार हो रहा है हर तरफ वो चतुर्दिक और बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। अब तो सरकार, चाहे राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार मिलकर कंधे से कंधा करके जितने जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, हम लोग उस लाइन पर चलें, यही हम लोगों के लिए अच्छा है, और यही हम लोगों के बिहार के गौरवान्वित होने का, एक बिहारी होने के पूर्णत्व की प्राप्ति के अग्रसर होंगे। इसलिए आने वाले लोगों को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हम लोग बढ़े, तेजी से बढ़े और अपने पूर्णत्व की ओर चलते रहे। देखिए, जहाँ तक विशेष की बात है तो मुझे तो लगता है कि विगत कुछ वर्षों से केंद्र सरकार बहुत कुछ दे ही रही थी, इसमें जोड़ा ही जा रहा था, सिर्फ एक मुहर लगने की बात है, और मुहर तो अब जब हमारे साथी संगियों के हाथ में ही है तो लगना ही चाहिए। और मैं उतना जानकार आर्थिक क्षेत्र में नहीं हूँ तो कितनी हमें क्या कितना फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अधिकार हमें दिया जाता है और इस बात के लिए हमें बढ़ाया जाता है आगे कि हम लोग अच्छा कुछ करें, अच्छा प्राप्त कर सकते हैं तो हम लोग जरूर करेंगे, और हम लोग कहेंगे कि हाँ बिहार को और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि बिहारी होने का कुछ तो गौरव हमें भी प्राप्त हो जाए। तो जब से हम यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रोग्रेस, विकास ही दिखा है, ना कि सिर्फ रोडवेज, रेलवेज और इन सब में, बल्कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत मैसिव बदलाव आया है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहा है, ना कि सिर्फ प्राइवेट में, सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है सबके लिए, उसके ऊपर ऊपर हमारे पास भी और जिले में बाकी अस्पतालों में भी आयुष्मान की सेवा दी गई है, जिसके अंतर्गत गरीब लोग कार्ड के आधार पे बेस्ट ऑफ केयर, जो सबसे अच्छी सुविधा हो, बिल्कुल मुफ्त में उठा सकते हैं। हमारे यहाँ भी इस अस्पताल में, आश्रय नर्सिंग होम में, हमने लगभग 50-60 लोगों का एंजियोप्लास्टी माने स्टेंट लगाना, जिसका लिए लगभग लोग 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख, 3 लाख तक लग जाता है बड़े शहरों में, यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त किया है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिला है, और ये
ना सिर्फ स्टेट का है और ना सेंटर का है, दोनों की मिलीजुली एफर्ट है, क्योंकि दोनों और सिर्फ करना ही नहीं होता है, जो सरकार उसका पेमेंट भी बिल्कुल टाइम पे दे रही है। तो सरकार पिछली भी अच्छी थी, आगे भी अच्छी रहेगी, और अब जो सरकारें बन रही हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो राजनीति जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, जो मैंने पर्सनली फील किया क्योंकि मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन सब प्रोग्रेसिव राजनीति ही हो रही है, तो सबका विकास एक साथ हो रहा है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या मांग तेज होनी चाहिए नई सरकार में, लोगों की क्या राय? विशेष राज्य तो बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जो बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, जो बिहार के पास जो गौरवान्वित जगहें थी, बहुत सारे जो जिसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते थे, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, एक हिसाब से तोड़ दिया गया है। तो जिस चीज में हम लैक कर रहे हैं उसके लिए सरकार को थोड़ा बेनिफिट हमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट अगर ग्रो नहीं होगा तो बॉडी ग्रो नहीं करेगा। तो बिहार भी देश का एक अभिन्न अंग है, उसको भी ग्रो करने का बराबर हक मिलना चाहिए।